प्यारे छात्रों और छात्रा और सोलह सर उन सबका आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हाँ, और आप लोगों के लिए कोचिंग की ओर से शुभकामनाएँ हैं कि आप अपने परीक्षा में बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आओ, ताकि हमारे कोचिंग का भी हाँ और आप अपने इलाके का भी जो है राम नाम रोशन कर, ठीक है। साथ ही यहाँ पर जो है इस वर्ष सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत सारी परेशानियाँ आई ना, जैसे आप जानते ही होंगे कि लॉकडाउन की वजह से ना हमारा शिक्षा जो व्यवस्था है यह सब बहुत ही प्रभावित हुआ ना। साथ ही आप लोग का सिलेबस भी जो है बहुत अच्छे रह गया, लेकिन फिर भी जितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है उसी को आप पूर्ण मानिए और अब आपको नया पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसी में आपको करके चलिए कि हमारा जो है सिलेबस इतना ही कंप्लीट है, हम इसी को करेंगे और उसी से। और आप लोगों की व्यवस्था के लिए जो है सुविधा के लिए इस वर्ष सरकार ने भी जो है ना कुछ बदलाव कर दिया, ठीक है। कि इसमें किया क्या है कि आपको जहाँ पर मतलब 70 ऑब्जेक्टिव आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, हाँ जो 35 ऑब्जेक्टिव आते थे, इस वर्ष जो है उसकी संख्या दुगनी कर दी गई है ना, ताकि और उसमें से आपको आधा चुका जाए ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जितना आपको पढ़ाया गया होगा उसमें से आप 70 में से 35 प्रश्न पढ़ गए, हाँ 35 प्रश्न तो कर ही पाएंगे, ठीक है। ये आपका सरकार का जो है बहुत बड़ा मतलब व्यवस्था जो बहुत अच्छा है, ठीक है, ताकि इस वर्ष जो बच्चे मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया उसके अनुसार जो है उनको रखा गया है, हाँ कि आप 70 में से आपका 35 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। मैथ में आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए, सॉरी 100 का होता है ना, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए, इसमें से आपका 50 का आंसर देना है, 50 बाकी सब्जेक्ट, ठीक है। तो यही आपका पूर्ण मान लेना है, ठीक है। और साथ ही जो है एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा जो है ना ध्यान रखा जाता है कि हम कम समय में जो है जितना हमको टाइमिंग है उतना से कम समय में कोशिश करेंगे, स्पीड इतना रखेंगे हम कि कम समय में हम सारे प्रश्नों को कर पाए, ताकि हमको लास्ट में कुछ समय मिल जाए, ताकि हम जो भी बनाए ना उसको एक बार पूरा चेकअप कर, हाँ कहीं पर भी अगर त्रुटि कुछ नजर आती है तो हम सुधार कर पाए, हाँ। नहीं तो कुछ बच्चों का होता है कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से जो है ना वो सारा प्रश्न छूट ही जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो है ना सब का सब टच करो, ठीक है। और ध्यान रहे ये भी कि आपको 70 में से 35 ही मार्क है ना, अगर 36 मार्क दिए तो 36वां का मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और साथ ही जो है आपका मार्क्स जो है आपका एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़े हैं ना। जैसे हर बच्चा कहता है कि हम बहुत पढ़ते हैं ना, तो वो तो रिजल्ट ही बताता है कि आप कितना मेहनत किए हैं, तो ये मेहनत वहाँ पर बताता है ना, कि मेहनत आपका जो है अभी यही दिखलाने है ना। और आपका तो एग्ज़ाम मतलब एक बार आपको दे चुके हैं 10th क्लास का एग्ज़ाम ना, तो इस बार जो है थोड़ा कम होगा, जैसे स्टार्टिंग में होता है ना कि बाप रे बाप बोर्ड के एग्ज़ाम देना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो आप लोग का एक एग्ज़ाम का अनुभव हो चुका है, ठीक है। ये आपका मतलब आपके लाइफ का जो है मान लीजिए कि आपका दूसरा सीढ़ी चढ़ने जा रहा है ना, और इस सीढ़ी जो है ये आपका 12th क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसी से सभी चीज़ों का जो है मतलब जो भी बहुत सारे जॉब्स वगैरह हैं तो इसके लिए जो है 12th लेवल तक के होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। और ये आपको जो है ना कहेंगे कि आप जितना भी पढ़े हैं जितना भी सीखे हैं उसी का उपयोग ईमानदारी से और मेहनत से करें, हाँ ठीक है। आपका मेहनत ही बताएगा कि आप कितना जो है ना पढ़ पाए कितना सीख पाए ना, और वो रिजल्ट बताएगा, अच्छा रिजल्ट है ना तो आपका मतलब है कि आप बहुत अच्छे मेहनत कर पाए, ठीक है। जैसे आजकल जो है बहुत सारे बच्चों को जो है ना मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का भी लोग जो है ना बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी होता है ना और हानिकारक भी होता है ना, तो आप टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करिए, ठीक है। आप अगर मान लीजिए यहाँ से चल जाते हैं, कोई भी समस्या होता है, कोई प्रश्न का मान लीजिए कुछ बना रहे प्रश्न नहीं मिलता है, ठीक ना, मान लीजिए आप घर पर टाइम है ना सप्ताह,
एक सप्ताह के अंदर मान लीजिए कि आपको कुछ समस्या हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पर आप जो है ना आप अपने प्रश्न पूछिएगा और उस पर हर प्रश्न का हर सब्जेक्ट का जो है बहुत अच्छे से सोल्यूशन बताते हैं ना। दूसरा हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का आप सही उपयोग करें ना कि गलत उपयोग करें। गलत उपयोग आप कर ही रहे हैं ना, फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम गलत उपयोग है, लेकिन आप सही उपयोग भी करके देखिए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। और हम क्या कहना चाहेंगे है ना कि देखिए यहाँ पर है कि एक बात और कि भरोसा भी जो है ना अपने आप पर रखना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम में हो जाता है ना कि बगल वाला बच्चा मान लीजिए कुछ दूसरा आंसर लिखे है, आप दूसरा लिखे हैं, है ना, तो आप लिखे तो आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है ना। आप सही भी लिखे हैं उसको काट के ना और दूसरा वाला के लिख देता है, ठीक है, गलत। तो ये भी बात रखिए कि आप जितना लिखे अपने दिमाग से सही लिखेंगे, ठीक है। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, ठीक है, और भरोसा रखिए कि हम जो पढ़े हैं जो लिखे हैं वही हमारा सही है ना, ना कि किसी दूसरे के बहकावे में आके हम वो भी जो है ना काट लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका मार्क्स जो कम हो सकता है, ठीक ना। तो ये भी बात पर ध्यान देना है, ठीक है। मतलब कहा गया है कि अगर मतलब भरोसा भगवान पर है ना तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके तकदीर में लिखा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो आप वो पाओगे जो आप चाहोगे ना। तो इसी के साथ जो है हम अपने बातों को जान विराम करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय। जितने भी मेरे सहायक और शिक्षकगण हैं यहाँ के, मेरे गार्जियन, मेरे सर चौबे सर भी आप लोग को बताएं तो